बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलाइड्स, कोलाइड्स ऐसे यानी सब्सटेंसेस हैं जिनमें पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन से सॉल्यूट का साइज़ बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। तो इनकी डेफिनेशंस हम क्या डिज़ाइन करेंगे? व्हेन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिस्पर्स इन सॉल्वेंट, जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो रहे हैं उनके डायमीटर साइज़ का डायमीटर जो है रेंजेस फ्रॉम अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम नॉट टू 2000 एंगस्ट्रॉम नॉट, द सिस्टम इज टर्म्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल डिस्पर्शन, या सिंपली इनको कोलाइड्स कहते हैं। तो कोलाइड्स की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो उन एप्लीकेशंस को हम देखेंगे कि कोलाइड्स का क्या रोल, कोलाइड्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री में। सबसे पहले फूड, तो जो हम मिल्क पी रहे हैं वो सारा कोलाइड्स होता है। मैनी ऑफ आवर फूड्स आर कोलाइड्स इन नेचर। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एन इमल्शन ऑफ बटर फैट, बटर फैट इसमें है और उसके साथ उसके लिए प्रोटीन है जिसे कैसीन कहते हैं। इसी तरह सैलड ड्रेसिंग्स जो होती हैं उन वो भी कोलाइड्स वगैरह हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह, क्रीम वगैरह, मेडिसन। कोलाइडल मेडिसन बींग फाइनली डिवाइडेड आर मोर इफेक्टिव एंड आर ईजिली एब्जॉर्ब इन आवर सिस्टम। इसके साथ है नॉन ड्रिप और थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स हैं, तो जितने भी पेंट्स होते हैं वो सारे कोलाइडल डिस्पर्शन होते हैं, सॉलिड पिगमेंट होते हैं लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स हुए होते हैं, कोलाइडल बना होता है। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, स्मोक जो है वो भी कोलाइडल है। द स्मोक कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट, ये भी कोलाइडल डिस्पर्शन है, सॉलिड पार्टिकल्स, उसमें कार्बन होता है, आर्सेनिक होता है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं आर्सेनिक के, और सीमेंट डस्ट होती है इन एयर। इट इज़ अ न्यूजेंस एंड पोल्यूट्स एटमोसफेयर। देयरफॉर बिफोर अलोइंग टू स्मोक द स्मोक टू स्केप इन टू द एयर, इट इज़ ट्रीटेड बाय कॉटरल प्रेसिपिटेटर, वो सारे जो कोलाइड्स हैं उनको प्रेसिपिटेट कर लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूनसिपल वाटर, म्यूनसिपल वाटर जो होता है जो नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम कंटेन, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इन पार्टिकल्स को कैगुलेट करने से सारे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, तो जो रिवर का पानी होता है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सैंड और क्ले के, और वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो सी वाटर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज सोडियम नमक होता है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही समंदर का पानी, दरिया का पानी समंदर में गिरता है तो क्या होता है कि आइंस आप डिस्चार्ज होते हैं, सैंड और क्ले के साथ मिलते हैं और वहाँ प्रेसिपिटेशन कर जाते हैं और डेल्टा बन जाता है जो उधर जगह होती है। आर्टिफिशियल किडनी मशीन, द ह्यूमन किडनीज प्यूरीफाई द ब्लड बाय डायलिसिस थ्रू नेचुरल मशीन। ठीक है, नेचुरल मशीन क्या है? किडनीज़, किडनीज़ के ज़रिए क्या होता है, द टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट्स यूरिया वगैरह, वो छोटे होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल साइज पार्टिकल्स हैं वो ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, वो हीमोग्लोबिन, वो रिटेन रहते हैं। किडनी फेलियर क्यों होती है? वो तब होती है जब ये वेस्ट पार्टिकल जो होते हैं पॉइजनस, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल किडनी से मेम्ब्रेन लगी होती है जो कोलाइडल को रोक लेती है और जो यूरिया वगैरह और छोटे पार्टिकल्स हैं उनको पास होने देती है। एडॉप्शन इंडिकेटर्स, दीज इंडिकेटर्स फंक्शन बाई प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल एडॉप्शन ऑफ आइंस ऑन टू सोल पार्टिकल्स, यानी ये कुछ पार्टिकल्स एडजॉर्ब कर लेती है और कुछ को एडजॉर्ब नहीं करती। इस तरह वो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं कि जिस पार्टिकल को एडजॉर्ब करती है उसी के लिए वो इंडिकेटर बना होगा। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ टिंडल मेथड, टिंडल इफेक्ट। दी अपर एटमॉस्फेयर जो होती है उसमें कोलाइडल डस्ट होती है और आइस के पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर में डिस्पर्स हुए होते हैं। जैसे सूरज इस पे पड़ता है एंड एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, दीस जो रेज होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को, पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और स्कैटर लाइट कर देते हैं ब्लू कलर की वापस। द लाइट दैट इज इंसीडेंट ऑन दैट एट अर्थ जो सरफेस पे आती है वो ड्यू टू द रिमूवल उस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट उसमें से रिमूव हो जाती है ऊपर एटमोसफेयर, इसलिए ऊपर से आसमान ब्लू नज़र आता है।